हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लू एंड येलो टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक एंड स्टेप बताऊंगा जिसकी सहायता से आप भी अपनी फोटो में कुछ इस टाइप से टोन आसानी से दे सकते हैं। एंड यूट्यूब एंड एडिटिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें इंस्टा फॉलो करें, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एंड इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फोटो को लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से इस वाले फोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -8 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी माइनस क्यों लेंगे, ठीक है। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -20 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है उसमें थोड़ा सा रेड टोन है, ठीक है, ताकि रियल लगे हमें अपनी स्किन टोन। तो इसे रखते हैं -20 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी कलर है वो सही लगे, ठीक है, स्किन की जो कलर है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं -20 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा ब्राइट और लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +20 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसे हम +9 रखते हैं एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +80 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +94 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +40 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +81 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -41 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +82 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी येल्लो टोन है वो थोड़ा लाइटिंग लगे, ठीक है, डीप ना लगे। तो इसके लिए इसकी वैल्यू को हम -8 रखेंगे एंड यहाँ से विनर की वैल्यू को हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -16 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो इसे रखेंगे हम 36 एंड इतना करने के बाद हो सकती है आपकी फोटो फट जाए, ठीक है। तो अगर फोटो फटेगी तो उससे कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करें, ताकि जो हमारी फोटो है उसे थोड़ा शाइनिंग आए, ठीक है। तो इसे रखते हैं 25 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ लगे। तो इसे रखते हैं 15 एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी हुई वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इससे भी हमारी फोटो स्मूथ होती है, ठीक है। तो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर
आईसी शो गाइस, आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।